बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज आप सीखेंगे कि आप सॉन्ग नेम आईडी कैसे बना सकते हैं। सॉन्ग नेम आईडी बनाने के लिए आपके पास प्रोक्सी का होना लाजमी है। जैसे कि आपने सॉन्ग नेम आईडी देखी होगी, घोस्ट नेम आईडी, इनविजिबल आईडी, ये सारी आईडीज प्रोक्सी के साथ ही बनाई जाती हैं। बगैर प्रोक्सी के ये आईडीज नहीं बनाई जाती। तो सॉन्ग नेम आईडी बनाने के लिए सबसे पहले तो आप गूगल से एक्सटेंशन में होला यूज ऐड करें। आप गूगल पर लिखें होला एक्सटेंशन, ये देखिए आपके पास नीचे आ गया है होला एक्सटेंशन। इसको सर्च करें और फिर यहाँ आप कोई भी ओपन कर लें, ये फर्स्ट वाला ही कर लें। इसको आप ओपन करेंगे तो आपके सामने डायरेक्ट ही होला आ जाएगा। तो ये यहाँ पर ये देखें लिखा है ऐड टू क्रोम, इसको ऐड टू क्रोम करें। तो पहले तो ये ऐड एक्सटेंशन करें, यहाँ पर आपके पास ये डाउनलोड होगा और फिर ये खुद ब खुद ही ये देखें डाउनलोड हो रहा है आपके पास। अब डाउनलोड होने के बाद ये एक्सटेंशन में खुद ही ऐड हो जाएगा। अभी ये देखें डाउनलोड हो चुका है। अभी चेकिंग के लिए, इसने ऐड होने के लिए चेकिंग कर रहा है कि ये आपके ब्राउज़र में ऐड होगा या नहीं, क्योंकि अगर आपका गूगल का वर्जन पुराना होगा तो आपके पास ये ऐड नहीं होगा। तो आप होला यूज़ करने के लिए गूगल का न्यू वर्जन डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, फिर ही आपके गूगल में होला इंस्टॉल होगा। ये देखें एक्सटेंशन में ऐड हो चुका है। भी आप इसको बंद करें और यहाँ पर आप जापान की प्रोक्सी लगाएं। जैसे कि सिंगल नेम के लिए हम इंडोनेशिया की प्रोक्सी यूज़ करते हैं, तो हम सॉन्ग नेम आईडी बनाने के लिए जापान की प्रोक्सी यूज़ करेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारी प्रोक्सी दी जाती हैं, लेकिन सारी प्रोक्सी काम की नहीं होती। इनमें से कुछ ही ऐसी प्रोक्सी होती हैं जिनसे हमने फेसबुक पर आईडीज के उल्टे सीधे नाम लिखने होते हैं। ये देखें ये आपके पास जापान है, इसको सिलेक्ट करें तो आपका जो पेज होगा ये अगेन से रिलोड होगा और यहाँ से ये देखेंगे कि आपका ब्राउज़र में ये होला फेसबुक चल जाएगा। ये देखें लोडिंग हो रही है। अगर आपके इस ब्राउज़र में फेसबुक नहीं चलेगी तो ये आपके एरर दे देगा। अगर आप यहाँ से ये वाला न्यू इनकॉग्निटो विंडो ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा। अब आप अपनी फेसबुक का वो अकाउंट खोलें जिसका आपने नेम सॉन्ग नेम बनाना है। तो मैं यहाँ से कोई भी आईडी ओपन करता हूँ अपनी। आईडी ओपन करने के बाद आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि हमने सॉन्ग नेम कैसे बनाना है। तो सॉन्ग नेम के लिए ये मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। ये देखें ये मेरे पास काफ़ी सारे नेम पड़े हुए हैं, जिनमें से सॉन्ग नेम भी हैं, सिंगल नेम भी और स्टाइलिश नेम भी हैं। तो देखें कि ये मेरे पास एक सॉन्ग नेम मौजूद है। ये देखें कि ये सॉन्ग ने काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर भी इस वजह से ये नहीं आ रहा। तो मैं आपको ये बताना था कि यहाँ पर ये देखें कुछ ज़्यादा ही छोटा होगा। चलो आपको ये गूगल पर दिखा देता हूँ। ये नेम कॉपी किया हुआ है मैंने, यहाँ पर देख लें। ये देखें कि ये पूरा सॉन्ग नेम बना हुआ है। और सॉन्ग नेम आप प्रोक्सी के साथ सिर्फ इसी सूरत में एक्सेप्ट करवा सकते हैं अगर आपके सॉन्ग नेम में घोस्ट सिंबल होगा।
ये देखें, ये घूर सिंबल इसमें मौजूद है। अगर ये ना हो तो आप सॉन्ग नेम आईडी नहीं बना सकते। अभी यहाँ पर सॉन्ग नेम के जहाँ पर सिंबल मौजूद था, सिंबल से आगे वाला हिस्सा आपने कट करके लास्ट नेम में लिखना है। ये देखें, यहाँ से आप ये इतना कॉपी कर लें, यहाँ पर पेस्ट करें और फिर ये वाला कॉपी करके यहाँ पेस्ट करें। अब प्रीव्यू चेंज पर देखें, ये देखें कि आपका सॉन्ग नेम बन चुका है सिर्फ जापान प्रोक्सी के साथ। अब हम सिंबल को अगर रिमूव कर कर देखेंगे तो ये देखें नेम एक्सेप्ट नहीं हो रहा। तो ये देखें कि आपके सामने मैंने सिंगल सॉन्ग नेम आईडी बना दी है, सिर्फ जापान की प्रोक्सी यूज़ की है और इसमें ये घूस नेम का सिंबल यूज़ किया है। और भी इंशाल्लाह ताला आपको मेरे चैनल से काफ़ी ट्रिक्स फेसबुक की मिलेंगी। अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल यहाँ से, ये देखें सब्सक्राइब का ऑप्शन है, यहाँ से आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आप वीडियो में आएंगे तो आपको बहुत सारी फेसबुक के मतलब ट्रिक्स मिल जाएंगी, यूट्यूब के अगेंस्ट भी मिल जाएंगी। ये देखें, आप यहाँ से अपनी पसंद की कोई भी ट्रिक्स ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।